कैजुअल वर्कर कार्यरत थे 31 मार्च तक या पिछले कुछ दिनों से, जिसमें 12 लोगों को माननीय न्यायालय कैट के द्वारा एक स्टेटस दिया गया कि आप जैसे भी कैजुअल वर्कर जिस स्थिति में आप रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते हुए, आप वही स्थिति बनाए रखें, हम पिछले साल से उसको बनाए हुए हैं। तो ये 12 लोगों के किया था। फिर बाद में जो 6 लोगों ने किया उसका कोई स्टेटस नहीं आया, तो 31 तारीख को ऑफिस ने ये आदेश किया कि इन लोगों का कोई भी कोर्ट से स्टेटस नहीं होने के कारण, और महानिदेशालय से जो मुझे पत्र मिला था भारत सरकार से, उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट किसी को इंगेज नहीं कर सकता हूँ, आउटसोर्सिंग के थ्रू से ही किसी का एंगेजमेंट होगा। ये ऑलरेडी बहुत पत्र पत्रिकाओं में भी आ चुकी है और नोटिस है, और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हर जितने भी हमारे पास वर्क्स प्रोग्राम से लेकर के जो कुछ आ रहा है, सब में ये चीज़ मेंशन है। तो 1 तारीख से स्वतः ही घर बैठ गए, लेकिन ये लोग भी न्यायालय में अपनी याचना दी थी। इनको 2 तारीख को जो उस पर एक नोटिस हुआ था जज के द्वारा, जिसने कहा कि आज के डेट को आपको मेंटेन करना है, तो नियमानुसार 2 तारीख को ये यहाँ पर कार्यरत नहीं थे। उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए अभी चल रहा है। न्यायालय का जैसा ही आदेश आ जाएगा कि इनको बाकी 12 लोग जो लगे हुए हैं उनके साथ इनको भी समाहित कर लिया जाए, या इनको कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, या परमानेंट करना है, माने जैसा कैजुअल ये कर रहे हैं उस तरह से करना है, या क्या, जैसा भी न्यायालय देगा और सरकार के हिसाब से वो जो भी सही होगा उस हिसाब से, वरिष्ठ कार्यालय जिसके ऊपर कोलकाता सर्किल है, जो भी निर्णय या आदेश हमें देगा हम उसको पालन करेंगे। हमारा प्रजातंत्र है, सब कुछ रख सकता है अपनी बात को। न्यायालय में है तो उन्हें ये चीज़ सब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से वो भी न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कोर्ट के आदेश में दिया गया है कि 2 तारीख की स्टेटस बाहर रखा जाए। तो यदि वो कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कुछ कर लें, क्योंकि हम तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट है नहीं, मुँह से हम समझा ही सकते हैं, तो हमने अपने तरफ से बताया। बाकी आप लोग भी चर्चा करिए अगर यदि संभव है, क्योंकि आदमी की आवश्यकता तो है ही, हमें संग्रहालय में लोग